गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अनिका से ब्रेकअप होने के बाद भी आखिर क्यों सिवेट और लक्ष्य का रिसेंटली फाइट हुआ है। सो रिसेंटली दिग्विजय ने एक ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया था और उस वीडियो में दिग्विजय, लक्ष्य, रिग्देन अनिका और ट्रामोटाइज्ड वर्ल्ड को लेकर मजाक कर रहे थे। जो कि अनिका को पसंद नहीं आया और अनिका ने इस क्लिप को अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में डालकर दिग्विजय और लक्ष्य के अगेंस्ट ये लिखा था, लोग कितने ऑब्सेस्ड है, मतलब न्यू टॉपिक तो लेकर आओ, उसके बाद बोलते हैं कि वी आर ऑब्सेस्ड विद देम, मतलब सीरियसली रहने दो, वैसे तो ऑडियंस समझदार है, शो में और शो के बाद कोई और टॉपिक है या एक ही चीज करनी है। वैसे गाइस आप लोग नोटिस कर रहे हो, हर कंट्रोवर्सी उधर साइड से ही शुरू होती है। अनिका के इस मैसेज के बाद सिवेट ने भी अपने ब्रॉडकास्ट में कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग डालकर ये कहा कि बड़ा मजाक मस्ती में बोल दिया जा रहा है चीजें, बट याद रखना मैं मजाक मस्ती में बोलूंगा थोड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को, फिर मत बोलना कि यार तुमने स्टार्ट की कंट्रोवर्सी हमने नहीं करी, क्योंकि आप लगे हो पोकिंग करने में। सो अनिका और सिवेट के इस रिएक्शन के बाद फिर दिग्विजय ने भी अपने ब्रॉडकास्ट में ये कहा कि उन्होंने बस मजाक में वो सब बोला हुआ था और उन्होंने अनिका वाला पार्ट को ट्रिम कर दिया है। उसके बाद लक्ष्य ने भी सिवेट और अनिका को टॉन्ट मारते हुए अपने ब्रॉडकास्ट में ये लिखा था, किसी को फुटेज देने का कोई शौक नहीं है, इट वॉज हेल्दी फन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ हर्टिंग समवन, एनीवेज योर बॉय गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू इन लाइफ, ऑल्सो वी हैव ट्रिम्ड दैट पार्ट जस्ट बिकॉज आई डिडंट want to hurt someone who has been a part of my life before. Also guys, मुझे शौक नहीं है ब्रॉडकास्ट के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नई नई कंट्रोवर्सी करूं without thinking सामने वाला कौन है। लक्ष्य के इस टॉन्ट के बाद सिवेट ने भी लक्ष्य को रिप्लाई देते हुए अपने ब्रॉडकास्ट में ये लिखा था, ऐसे किसी फाइट के लिए चैलेंज कर लो ना, क्या ब्रॉडकास्ट में भौंकते रहते हैं लोग, खुद की गर्लफ्रेंड बाहर है फिर भी शो के अंदर दूसरी से प्यार दिखाना है, यार मुझे जलाने के लिए हुकअप करना है भाई, मर्द बनो, ऐसे किसी फाइट के लिए चैलेंज करो, अच्छा छोड़ो वन वर्सेस वन होगा नहीं तुमसे, सचिन का अनएडिटेड ब्लॉग डाउनलोडेड पड़ा है, वैसे डालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, पता चल जाएगा बॉलिंग में मिली किसका नाम रखा था, उंगली मत करो शांत रहूंगा, करोगे तो हाथ ही दूंगा। तो सिवेट ने यहाँ पर हुकअप वाला बात इसलिए कहा है क्योंकि इनसाइडर वीडियो में लक्ष्य ने कहा था कि वो सिवेट को जलाने के लिए अनिका से हुकअप करना चाहते हैं, और सचिन के ब्लॉग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था, तो सिवेट यहाँ पर लक्ष्य को यही धमकी दे रहे हैं। उसके बाद लक्ष्य ने भी सिवेट को टॉन्ट मारते हुए ये रिप्लाई किया था, सॉरी अंकल डर गया मैं, आई नो आप बहुत बड़े गुंडे हो, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन माय लाइफ, बाय प्लीज चेप मत होना। उसके बाद सिवेट ने भी लक्ष्य को रिप्लाई किया, पापा ही बोल लेता, ओ सॉरी वो तो तू किसी और को बोलता है, बहुत काम है पर ब्रॉडकास्ट में का पूरा टाइम है, ओ आई गेस शायद यही काम होगा, सो के बाहर के गर्लफ्रेंड का तो बता दिया, सोच रहा हूँ लंदन भी याद दिलाऊं, समझ नहीं आता इतना भोंक कैसे लेते हैं पूरा टाइम शो में फेक करने के बाद, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। उसके बाद लक्ष्य ने भी सिवेट को ये रिप्लाई किया था, बताओ लंदन की चीजें पीछे मत हटना, और लक्ष्य ने फिर सिवेट को प्रूफ भी देने के लिए कहा था। उसके बाद सिवेट ने भी लक्ष्य को रिप्लाई दिया, नाम के साथ पिछली बार डाला था किसी का मैंने, ये लड़की की इज्जत बोल के 2 घंटे लाइव की थी, अब 4 घंटे करोगे क्या, एक बार दे चुका हूँ बस हो गया, और कितना सिंपति कार्ड खाएंगे, अपने काम से काम रखना सीखो, मुझे लगता मेरे को अब भाव नहीं देना चाहिए, ब्रॉडकास्ट के मेंबर बढ़वा रहा है कोई, छोड़ो मैं क्या कह रहा था, गर्मी इतनी हो गई है कि मेरे दोनों प्यारे डॉगीज भी दिन भर शांत रहते हैं, पर कुछ इंसान बहुत भूख रहे हैं आजकल। तो गाइस यही था पूरा स्टोरी, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर देना, थैंक यू।